हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी किचन में। आज हम टमाटर से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यह मैं आधा केजी टमाटर ले ली हूँ। और टमाटर लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, टमाटर अच्छा लाल लाल और पका हुआ लेना है। अब टमाटर को रफली काट लेंगे। इस तरह से आप रफली काट लीजिए। इस रेसिपी के लिए हाइब्रिड टमाटर, जो लंबा वाला टमाटर रहता है, वो टमाटर ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन हमको टमाटर नहीं मिला, इसलिए मैं देसी टमाटर ली हूँ। इससे भी रेसिपी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। और देसी टमाटर आप ले रहे हैं तो अच्छा लाल लाल पका हुआ टमाटर लीजिए, तो अच्छा रेसिपी बन के तैयार होगा। और अब कुछ सब्जियाँ ले लेंगे। यहाँ मैं एक गाजर ले ली हूँ। गाजर से इस रेसिपी में अच्छा टेस्ट आता है, मिठास आ जाता है। और थोड़ा सा चुकंदर लिए हैं और सबको चॉप कर लिए हैं। चुकंदर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 7-8 कली लहसुन ले लिए हैं, हरी मिर्च और एक छोटा प्याज ले लिए हैं। और आप कुकर गरम करेंगे और कुकर में एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालना है। एक तेज पत्ता और 10-12 काली मिर्च डाल लेंगे। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च और थोड़ा कम कर लीजिए। और सारा सब्जी एक साथ डाल करके 2 मिनट भून लेंगे। सब्जी को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है, सब्जी का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अब चॉप किया हुआ टमाटर डाल लेंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, तो टमाटर जल्दी से पक जाएगा। और 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद आप ढक कर के पका लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ढक कर के टमाटर को अच्छे से गलने तक पका लेना है। टमाटर अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब पानी डाल लेंगे। यहाँ मैं आधा केजी टमाटर ली हूँ तो आधा लीटर पानी डाल लेंगे। आप ग्लास से माप रहे हैं तो 2 ग्लास या 2 ग्लास से थोड़ा बहुत कम पानी डाल लीजिए। टमाटर को इस तरह से भून करके बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर डालने के बाद सीधा पानी डाल देंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप लगभग आधा चम्मच चीनी डाल लेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ टोमेटो सूप बना रही हूँ। अब ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट पका लीजिए। और सीटी निकलने का वेट नहीं करना है, सीटी निकाल लेना है। टमाटर और गाजर अच्छे से पक गया है, एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब एक बर्तन लेंगे और छन्नी लेंगे, मोटा वाला छन्नी ले लीजिए और छान लेंगे। छानने के बाद इसे फेंकना नहीं है, इसे हल्का ठंडा कर लीजिए और मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो सूप अच्छा गाढ़ा बनेगा। और तेज पत्ता डाले हैं उसे हटा लेंगे। मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसी में डाल करके छान लेंगे तो मिक्सी भी साफ़ हो जाएगा। इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए छान लीजिए। चुकंदर डालने से बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब गैस पर रखेंगे और 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। उबाल आने से झाग बन रहा है तो इस तरह से अलग कर लीजिए, झाग से सूप का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप अलग कर लीजिए। 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल लेंगे, इससे सूप का और अच्छा टेस्ट हो जाता है। और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से सूप बना के तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब गैस ऑफ कर देंगे और चलते हैं गर्मा गर्म सर्व करने। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी टोमेटो सूप बनके रेडी हो गया। इसमें आप चुकंदर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गाजर ज़रूर डालिएगा। चुकंदर बहुत लोग को पसंद नहीं होता है, लेकिन चुकंदर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।